नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। मेरे आयुर्वेदिक इलाज 100% सटीक इलाज, घरेलू इलाज आयुर्वेदिक से। देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है कान में कान खजूरे का जाना। जैसे कि आप फर्श पर सो रहे हैं या बेड पर सो रहे हैं, कान खजूरा आपके कान में चला गया है। आज मैं आपको इस कान खजूरे का, कान से निकलने का एक आसान रास्ता बताऊंगा, जो ये कान खजूरा आसान तरीके से बाहर निकल जाए। घरेलू उपाय है जो आप घर पर ही करेंगे, इसमें आपको कोई भी मेडिसिन या किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये घरेलू उपाय से ही ये आपका कान का जो कान खजूरा है, जो घुस गया है, ये निकल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले करना है गर्म पानी। गर्म पानी में आपको डालनी है पिसी हुई लौंग और पिसी हुई काली मिर्च। आपको कम से कम 3 गिलास पानी लेना है और इसमें करीब 15 ग्राम लौंग, 15 ग्राम काली मिर्च पीस कर इसमें आप डाल दें और इसको आप इतना उबालें कि ये पानी जो है आधा गिलास निकल जाए, 2.5 गिलास पानी रह जाए, क्योंकि पानी में जो तासीर जो है इन चीजों की गर्म हो जाएगी। और जैसे काली मिर्च आपने डाली है, लौंग डाली है पिसी हुई, तो इसमें पानी में जो मिश्रण, जो एक गर्माहट जो होगी, वो उसको परेशान करने वाली है। जब 2.5 गिलास पानी रह जाए तो आप इसको आंच से उतार लें और इसको छान लें अच्छी तरीके से। इसमें आप कोई, आप इसमें कपड़ा भी डालकर छन्नी में इसको, क्योंकि इसमें कुछ जाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो कान में रह जाएगा। बिल्कुल पानी साफ होना चाहिए और ये पूरा आपको छान लेना है। और जिस कान में कान खजूरा गया है, आपको उसमें ये पानी गुनगुना, थोड़ा गर्म होना चाहिए, ज्यादा गुनगुना भी ना हो, और ये उस कान में डालना है जिसमें ये कान खजूरा गया है। और पानी डालें और मरीज जिसके कान में ये गया है, उस पेशेंट को जो है उल्टा आप ऐसे, या इस कान में है तो ऐसे, मतलब नीचे की साइड कान में पानी भर के नीचे की साइड करें ताकि वो निकले। और ये आपको पूरा 2.5 गिलास पानी ऐसे ही करना है। अगर वो तब भी नहीं निकलता है तो आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं इसमें कि आपको क्या करना है। ये भी एक घरेलू इलाज है। आपको लेना है इसमें सरसों का तेल और नीम का तेल। 50 ml तेल बनाना है, 25 ml आपको नीम का तेल लेना है और 25 ml लेना है आपको सरसों का तेल। दोनों को मिक्स कर लें। इसमें आपको लौंग डालनी है, काली मिर्च डालनी है और इसमें आपको डालना है लहसुन। 50 ग्राम ऑयल में आपको 15 ग्राम काली मिर्च और 15 ही ग्राम आपको लौंग डालनी है और इसमें आप 5 पौड़ी लहसुन की, उसको छील के इसमें डाल दें और इसको पकाएं। जब ये लहसुन बिल्कुल ब्लैक हो जाए तो आप इसको छान लें, क्योंकि ये ब्लैक होना जरूरी है, लहसुन का ब्लैक होना। चाकू मारकर देख लें कि ब्लैक हो गया क्या, और फिर इसको आप छान लें। उस तेल को आप गुनगुना तेल को आप कान में डालें जिसमें कान खजूरा गया, और तेल जो है पूरी तरीके से कान में भर दें, पूरा ऊपर तक आना चाहिए, फिर कान की साइड को नीचे को आप प्रेशर से नीचे ऐसे झुके ताकि वो कान खजूरा निकल जाए। तब भी नहीं निकला फिर दोबारा करें। तो ये 50 ml का जो ऑयल है, ये आपको ऐसे ही करना है और आपका कान खजूरा जो है कान से बाहर निकल जाएगा।
और आपकी जो परेशानी है ये ठीक हो जाएगी और आप अच्छा फील महसूस करेंगे। ये मेरा जो वीडियो है ये मैंने बहुत ही सटीक इलाज बताया आपको इसमें, और कान खजूरा जो है बाहर निकल जाएगा कान से। और इसी के साथ वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए।